जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। कोरोना बेकाबू, निजी अस्पतालों में मरीजों की भरमार। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना फुल स्पीड पर है। लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला भी जारी है। पिछले एक सप्ताह के भीतर कोरोना से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से भी अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा भी वायरल और खांसी जुकाम के मरीजों में भी बढ़त आ रही है। तो टीम ने क्या कहा आपको? टीम ने भाई ने भी बुखार की वजह से यहाँ भर्ती कराया था। अब हम उनकी जांच को भटक रहे हैं। उनकी जांच ना तो नए ब्लॉक में हुई, ना पुराने ब्लॉक में हुई, ना कोई आरटीपीसीआर करने वाला है, ना कोई एंटीजन करने वाला है। कहाँ कौन से कोविड जो ये बना रखे है, जो कोविड के जो हॉस्पिटल बना रखे, इनको भर्ती कैसे कराऊँ हम, जब तक हम जांच नहीं करवाने के। और जांच करवाने की कहीं हम भटक लिए, सारा दिन भटक लिए, नए हॉस्पिटल में गए और पुराने ब्लॉक में गए, सारे में चले गए। सीएम साहब, डीएम साहब और एसडीएम साहब के निर्देश में सभी जगह जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग एडमिट हैं उनके हम लोग कोविड की जांच करा रहे हैं, एंटीजन करा रहे हैं और उनका आरटीपीसीआर करा रहे हैं। सबको आगाह कर रहे हैं उनके हर एक मैनेजर को, डॉक्टर साहब को, कि जब तक भी किसी के पास कोई एंटीजन रिपोर्ट ना हो या कोविड की निगेटिव रिपोर्ट ना हो तो उसको भर्ती तब तक उसको देख करके करें, उसके सिम्टम पर करें। दूसरा हमारा ये है कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, उस अस्पताल में डेथ हो गई, यहाँ डेथ हो गई, कुछ लोग ऐसे र्यूमर फैला रहे हैं जो हम लोगों ने बाद में तथ्य पाया कि वो गांव में डेथ हुई, लोग छिपा रहे हैं। हमारा सभी से ये कहना है कि किसी को बुखार खांसी कुछ भी हो रही है, अस्पताल में आइए, तुरंत अपनी जांच कराइए और अपने को आइसोलेट रखिए। ये हमारा उद्देश्य है, ये आज हमारा पूरा मुहिम है।